के सुपरस्टार नन्नामुरी बालकृष्ण की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी जिसका नाम है वीरा सिम्हा रेड्डी। और अगर आप इस मूवी के हिंदी डब में रिलीज होने का वेट कर रहे थे तो फाइनली आपके इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि वीरा सिम्हा रेड्डी आपको हिंदी डब में कब और कहाँ देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप इस मूवी को अभी देखना चाहते हो तो अभी आप इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हो। तो अगर आप भी साउथ की नई नई मूवी हिंदी डब में देखना पसंद करते हो तो सारी जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक जरूर देखना। तो दोस्तों, वीरा सिम्हा रेड्डी जो कि एक एक्शन ड्रामा मूवी है, और अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो इस मूवी के अंदर सुपरस्टार नन्नामुरी बालकृष्ण हमें डबल रोल में देखने को मिलते हैं। एक तो वो पिता का किरदार निभा रहे हैं, दूसरी तरफ वो लड़के का किरदार भी निभा रहे हैं। हालांकि इस मूवी की स्टोरी इतनी कुछ खास नहीं है, लेकिन जो इस मूवी के डायलॉग हैं और जो नन्नामुरी बालकृष्ण का स्वैग है, सिर्फ और सिर्फ ये मूवी उसी की वजह से हिट हुई है। और यही रीजन है कि इस मूवी को IMDb पर 5.9 की मामूली रेटिंग मिली है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मूवी कैसी है। और अगर बात करें इस मूवी से जुड़ी अपडेट की और हिंदी डब के रिलीज डेट की, तो उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आप में से कौन कौन इस मूवी के हिंदी डब में रिलीज होने का वेट कर रहा है, और आप में से किस किस ने इस मूवी को देख लिया है और किस किस ने अभी तक नहीं देखा है, आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर बात करें इस मूवी के हिंदी डब की, तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी के हिंदी डबिंग का काम स्टार्ट हो चुका है और बहुत जल्द इस मूवी के हिंदी डबिंग को कम्प्लीट कर लिया जाएगा। और खबरों की माने तो ये मूवी आपको हिंदी डब में ऑफिशियली अप्रैल या मई के महीने में देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप इस मूवी को अभी देखना चाहते हो अपने मोबाइल में, तो इस मूवी को आप 17 फरवरी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हो इंग्लिश सबटाइटल के साथ। और अगर आप इस मूवी को हिंदी डब में टीवी और यूट्यूब पर देखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल वाले आइकन को दबा देना, ताकि ये मूवी जैसे ही हिंदी में रिलीज हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।